हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। आज फिर से आप लोग को मेरा एक नया वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम 6 कटिंग वाले बोर्ड बनाएंगे, जिसमें जो है 6 का 6 जो हम लोग का जो है स्विच यानी बटन ही रहेगा। 6 कटिंग वाले बोर्ड है और 6 का 6 में जो है बटन ही रहेगा। ये जो थोड़ा अलग क्वालिटी का बोर्ड बनेगा जिसके लिए आज हम लाए हैं। तो इसे हम लोग सेटिंग करना यानी कनेक्शन करना सीखेंगे, तो कैसे 6 कटिंग वाले बोर्ड कनेक्शन किया जाता है। तो 6 बटनों में जैसे लाइट, पंखा या कूलर, फ्रिज, इन्वर्टर, जो भी आप मतलब जो भी कनेक्शन देना चाहते हैं, इन्वर्टर नहीं, जो भी आप लोग 6 बटनों से जे 2-3 लाइट लगा सकते हैं या 2-3 पंखा लगा सकते हैं या 1-2 फ्रिज लगा सकते हैं, तो 6 का 6 कटिंग वाले बोर्ड में 6 ही कनेक्शन निकलेगा। इसमें जो 6 सामान लगा के आप लोग यूज कर सकते हैं। ना इसमें इंटीग्रेटर है, ना फ्यूज है, ना टू पिन सॉकेट है, ना 5-पिन सॉकेट है, ना ही इसमें कोई अलग एडवांस कोई रेगुलेटर जैसे पंखा को कम बेसी या अधिक कम करने के लिए स्पीड, उसमें जो है रेगुलेटर लगता है, ना रेगुलेटर है। बस इसमें जो 6 कटिंग वाला बोर्ड है और 6 में 6 का 6 स्विच है। तो इसे आज हम लोग जो है सेट करना सीखेंगे। तो आइए हम बोर्ड बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरा चैनल पर न्यू है यानी चैनल को पहली बार आया चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो वीडियो देख रहे हैं उसको लाइक कर दीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए हम बोर्ड बनाना स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से उलटने के बाद इस तरह से आएगा। तो हमको क्या करना है कि हर वीडियो में हम आप लोग को बताते हैं आसान से आसान तरीके से बोर्ड बनाने के लिए सिखाएंगे। हर वीडियो में आप लोग को हम एक बार बताते हैं कि जितने भी बटन हैं आप लोग देख सकते हैं, जितने भी बटन है यानी जितने तो क्या 6 बटन है हमारे पास, 6 बटनों के ऊपर वाले कनेक्शन से यानी 6 का 6 बटनों के ऊपर वाले कनेक्शन से एक तार को हमको बाहर निकाल लेना है। कितना तार? एक तार हमको जो है 6 का 6 कनेक्शन से एक तार हम लोग को बाहर निकाल लेना है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 6 मेरे पास 6 कटिंग वाले बोर्ड है और इसमें जो 6 का 6 स्विच है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले कि ऊपर वाले कनेक्शन से यहाँ से यहाँ से होता हुआ एक तार को हम लोग बाहर निकालेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से कि ये नीचे वाला मेरा कनेक्शन हुआ और ये जो ऊपर वाला कनेक्शन हुआ, जैसे बटन के ऊपर वाले कनेक्शन में 6 कनेक्शन है, 6 बटनों का 6 कनेक्शन है ऊपर वाले, तो 6 से होता हुआ एक तार को हम पहले बाहर निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जो है वही काम कर लेते हैं कि 6 बटनों के ऊपर वाले साइड से एक तार हम बाहर निकालते हैं। बस आप लोग जो है मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और आराम से आप लोग कुछ ही मिनटों में आप जो है बोर्ड बनाने के लिए सीख जाएंगे। इस तरह से 6 बटनों के ऊपर वाले कनेक्शन से एक तार को हमको जो है फंसा लेना है यानी बाहर निकालना है। इस तरह से आप देख सकते हैं 6 बटनों के ऊपर वाले कनेक्शन से हम जो एक तार को पहले जो है बाहर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अगला काम करेंगे एक साथ मिलके। अगर आप लोग इससे पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए, वो भी बहुत ही हेल्प करने वाला वीडियो है जिसमें आप लोग बोर्ड बनाने का तरीका और सीख भी जाएंगे अच्छे तरह से। इस तरह से आप देख सकते हैं तार नहीं घुस रहा है क्योंकि तार जो थोड़ा सा मोटा है, इसी वजह से जो तार जो मेरा घुस नहीं रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 6 बटनों के ऊपर वाले कनेक्शन से हम जो एक तार को पहले फंसा लेंगे। मैं देख सकते हैं मेरा जो तार जो है फंस गया। ऊपर वाले कनेक्शन में हम जो है तार को जो फंसा रहे हैं अभी। इस तरह से आपको जो है तार से कॉपर को रख के प्लास्टिक को हटा देना है। इस तरह से तार को जो है सेट कर लेना है। उसके बाद जो है फिर हम जो है अगला काम करेंगे। तार जो है मोटा होने के कारण जो है जल्दी फंस नहीं रहा।
बोर्ड में जो है अधिकतर मोटा लगाने से आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपका जो तार जलेगा या फूटेगा नहीं। थोड़ा सा जो हैवी क्वालिटी का ही तार लगाइए बोर्ड में, ताकि बोर्ड जो है लास्टिंग अधिक दिन करे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि छह बटन के ऊपर वाला साइड से हम एक तार को बाहर निकाले इसको, यानी पहला जो है मेरा हम लोग का जो पहला फेस का जो कनेक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि हम लोग जो है गांव में जो बोर्ड लगाते हैं उसमें जो है आप लोग देख सकते हैं कि खंभे से पिलर से ही दो ही तार आते हैं और मीटर से होता हुआ हमारा मेन बोर्ड में जाता है। तो दो ही फेस का हमारे गांव में जो अधिकतर बोर्ड होते हैं दो ही फेस का होते हैं, इसीलिए हम जो आप लोग को दो कटिंग वाले बोर्ड बनाने यानी दो फेस वाले बोर्ड बनाने से कर रहे हैं। तो हम क्या किए कि छः बटनों के ऊपर साइड से एक तार को बाहर निकाल दिए, इस तरह से जो मेरा एक कनेक्शन बाहर निकल गया। अब हमको क्या करना है कि छः बटनों का छः कनेक्शन लेना है, छः या छः लाइट या छः पंखा या कुछ यूज करना है, छः सामान यूज करना है। तो हमको क्या है कि बटन के जैसे हमको इस बटन का यूज करना है, ये वाले बटन का, तो इसके नीचे वाले साइड से। इससे पहले मैं आपको बता दें कि जैसे कि मेरा छः बटन है, तो अगर हमको तीन का ही कनेक्शन निकालना है तो हम यहाँ से चार तार लेंगे, क्योंकि एक तार जो है मेन तार हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ जो है एक तार डायरेक्ट ऐसे हम देख सकते हैं आप, ये दोनों तार जो है मेरा जो है मेन तार हो गया। ये तार कहीं नहीं लगेगा आपका, कहीं पे भी ये तार नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें जो फाइव पिन है नहीं, तो फाइव पिन में हम लगाएंगे तार। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि बटन का काम क्या होता है कि एक ही फेस का जो लाइन काटेगा, एक फेस का ऑलरेडी जो है लाइन जाया हुआ रहेगा। देख सकते हैं इस तरह से ये दोनों तार जो है जाके हमारा ब्रेकबोर्ड यानी मेन बोर्ड से होगा। तो हमको क्या करना है कि इस बटन का अगर हमको कनेक्शन निकालना है, ये वाले बटन का, इस वाले बटन का अगर हमको कनेक्शन निकालना है, तो बटन के नीचे वाले साइड से हम एक तार लेंगे। इस तरह से एक तार जो है हम बटन के नीचे वाले साइड से ले लेते हैं। देख सकते हैं बटन के नीचे वाले साइड से हम एक तार जो है ले लिए। ये दोनों तार जो मेन बोर्ड में जाकर जुड़ेगा, तो एक तार फिर हमको यहाँ से लेना है, ये वाले कनेक्शन से। यहाँ से हम जो है एक तार यहाँ से ले लेते हैं इस तरह से। उसके बाद ये दोनों को जो है लाइट या पंखा जो भी मन करे आप लोग लगा के यूज कर सकते हैं। सेम इस तरह से ये दोनों तार जो है, क्योंकि होल्डर में जो है दो ही फेस होते हैं, और फिर हमको अगर ये वाले बटन का कनेक्शन निकालना है, तो हम जो यहाँ जो है आपका देख सकते हैं, हम सबसे पहले जो है अभी कितना बटन है, एक दो तीन चार पांच बटन बचा हुआ, तो पांच तार हम जो है यहाँ जोड़ देते हैं। पांच तार जो है हम यहाँ जोड़ लेते हैं इस तरह से, आप देख सकते हैं पांच तार पहले जो है हम यहाँ, तो पहले हम पांच तार को एक जगह जोड़ लेते हैं इस तरह से। अब हमको इस ये वाले बटन का हमको कनेक्शन निकालना है, इस वाले बटन का, तो एक तार यहाँ लेंगे, इसके नीचे वाले साइड से एक तार लेंगे इस तरह से। तो इसका भी हमको कनेक्शन जैसे इसका क्या सबका ही कनेक्शन निकालना है, तो सबके नीचे वाले साइड से हम जो एक एक तार जो पहले बाहर निकाल लेते हैं। इसका भी जो हम लोग को कनेक्शन निकालना है, एक भी बटन नहीं छोड़ रहे हैं। ताकि आपको अच्छे से अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब क्या करना है आपको, बटन के नीचे वाले साइड से एक तार आपको लेना है यहाँ से, और एक तार जो आपको यहाँ से लेना है इस तरह से। इस तरह से आपको एक तार लेना है, ये दोनों तार आप लाइट या पंखा में लगा के यूज कर सकते हैं। सेम अब इस ये वाले बटन का अगर हमको कनेक्शन निकालना है, तो यहाँ से एक तार लेंगे, एक तार यहाँ से लेंगे
फिर अगर इसका कनेक्शन निकालना है एक तरफ यहाँ से लेंगे और एक तरफ बटन के नीचे वाले साइड से लेंगे। इसका भी हमको कनेक्शन निकालना है तो बटन के नीचे वाले साइड से, एक तरफ हमको इस वाले बटन का कनेक्शन निकालना है तो एक तरफ यहाँ से लेंगे एक तरह यहाँ से लेंगे। इस तरह से जो हम लोग का जो लाइन जो बोर्ड उनके पूरी तरह से तैयार हो गया। तो आइए हम पहले आप लोग को एक बार समझा देते हैं कि कैसे कैसे हम इसको बनाएं। तो आप लोग देख सकते हैं यह बोर्ड जो है मेरा छः कटिंग वाले बोर्ड है जिसमें जो छः का छः बटन ही है यानी स्विच ही है। तो छः बटनों का छः कनेक्शन निकलेगा आप लोग को पता है। तो हम सबसे पहले काम क्या किया बोर्ड में पहला फेस कैसे निकाले कि छः का छः बटनों के ऊपर वाले साइड से आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि छः बटनों के ऊपर वाले साइड से यहाँ से होता हुआ हम एक तार को इसको जो है बाहर निकाल दिए। देख सकते हैं ये वाले तार को हम जो है यहाँ हल्दिया वाला तार हम जो है बाहर निकाल दिए छः का छः बटनों से। उसके बाद हम क्या किए कि सात तार एक ही जगह लिए, सात तार हम इसीलिए एक जगह लिए क्योंकि छः का तो छः कनेक्शन निकल जाएगा, छः बटनों का तो छः कनेक्शन ले रहे छः तार और एक तार हम मेन तार के लिए। यहाँ देख सकते हैं यहाँ जो यहाँ से हम जो है सात तार लिए थे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, हम सात तार लिए। सात तार इसलिए लेंगे कि एक तार ये दोनों तार जो है मेरा जो है मेन तार रहेगा, ये दोनों तार जो है मेरा मेन तार रहेगा। उसके बाद एक तार हम यहाँ बटन के नीचे वाले साइड से लेंगे, एक तार फिर हम यहाँ से लेंगे। सेम उसी तरह इसका भी कनेक्शन निकालेंगे तो एक तार यहाँ से लेंगे फिर एक तार यहाँ से लेंगे। अगर फिर भी अगर हम फिर अगर हम लोग का कोई बच गया मतलब अगर हमको बोर्ड से जुड़ना है तो फिर हम एक तार यहाँ से लेंगे एक तार यहाँ से, उसी तरह जो सभी बटनों का कनेक्शन निकालें। इस तरह से जो हम लोग का जो बोर्ड फाइनली बनकर तैयार हो गया। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटा भी बजा दीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन यानी सूचना आप तक पहुंच जाए। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है तो हम यहीं से वीडियो जो है समाप्त करते हैं।